भागलपुर में बाढ़ के पानी का तल अब धीरे धीरे कम हो रहा है। भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH 80 पर से बाढ़ का पानी उतर चुका है, परंतु बाढ़ के पानी के उतरने के बाद NH 80 का हाल बेहद खराब हो चुका है। सड़कें कई जगह इतनी टूट चुकी हैं कि एक साथ दो गाड़ी पार नहीं कर सकती। छोटी गाड़ी किसी तरह सड़कों पर रेंगती नजर आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि सड़क से पानी उतरे दो दिन हो चुके हैं और अब सड़क मरम्मत की बाट जो रहा है, जो अभी तक शुरू नहीं हो सका है। आधी सड़क पानी में बह चुकी है, बाकी बची आधी किसी तरह गाड़ियों का दबाव झेलकर डटी हुई है। प्रशासन की ओर से ना तो कोई सुरक्षा का इंतजाम और ना ही सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। वैसे तो NH 80 अपनी जर्जर हालत के लिए पूरे देश में जानी जाती है, मगर बाढ़ ने उसकी हालत को और भी बर्बाद कर दिया है। क्या है नाम? क्या है? संजय कुमार चौधरी। अभी कहाँ से आए? कहलगांव से। कितना समय लगा कहलगांव से आने में? कम से कम डेढ़ पौने दो घंटा। पौने दो घंटा लग गया। क्या स्थिति? बहुत खराब। जहाँ जहाँ पे पानी चला था वहाँ पे रोड को फिर से मरम्मत किया? अभी कुछ नहीं किया गया। स्थिति हो गया है एकदम, क्या बताए, एकदम खचा खुची। जहाँ जहाँ पानी आया था, पानी भी आया था कम से कम थेउना भर इसमें। नाम क्या? बिहार में बाढ़ की त्रासदी में भ्रमण के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजकोष में पहला हक आपदा पीड़ितों का है, लेकिन साहब के कहकर चले जाने के बाद जो जमीनी सच्चाई सामने आ रही है वो प्रशासनिक व्यवस्था पर आपदा में अवसर तलाशने वाली बात हो चली है। मामला भागलपुर का है। हवाई अड्डे के मैदान में बाढ़ पीड़ितों का राहत कैंप है, वहाँ इंसान के साथ उनकी मवेशी भी हैं, लेकिन बेचारे मूक जानवरों को भूखे रहना पड़ रहा है। 10 दिनों में 5 किलो चारा मिला है, बाकी बाढ़ पीड़ित अपने से जुगाड़ कर मवेशी को पाल रहे हैं। कई भैंस गाय बछड़ा और बकरी की मौत की खबर भी बाढ़ पीड़ित बता रहे हैं। 10 रोज हम आई एक 5 किलो कुट्टी दिया, आरो तो नहीं है देशे। तो जानवर खाना यहाँ नहीं मिली? ना नहीं, जानवर खाना नहीं मिली। कैसे खिलाएगी? खरीदी खिला से यहाँ लारा बेचे मोल ले से जे जा छे तो लूट पटाय कर दे छे। पूर्वे नहीं करे छे के जे लूट लो। जानवर बीमार भी छे? हाँ, जानवर भी बीमार छे। डॉक्टर छे कि यहाँ? डॉक्टर आवे छे। हाँ, वो डॉक्टर आवे छे। हिने दू दिनों से नहीं आवी रहल छे, लेकिन आवे छे। मही देना छे दवाई तो ठीक छे। की लगे कि भूखो कारण इसको बीमार छे? हाँ, भूखो कारण छे, भूखलो रहे छे। आरो पानी कानी नहीं मिले छे तो हवा चपा कर साफ हो रहे छे, महीस चले छे काम। कोई चारा नहीं मिले छे, दो चारटा भैंसो मरी गेले भूखा से। जानवर यहाँ पटपटा रहे के ना? हाँ, जानवर पटपटा रहे। हाँ, यहाँ जानवर दो तीन टा पटपटा आ गेले। की लगे छे यहाँ पर? कुछ नहीं लगे छे यहाँ। कुछ नहीं मिले छे? कुछ नहीं। कैसे रहते ये जानवर? अब खिलाए छे कि नहीं करू के? कहाँ देना छे, नहीं देना छे, एकदम अपनो खरीदी खिला रहे छे। जानवर नहीं खाल मिले छे, खरीदी खरीदी कोई दिन भूखलो रहे छे, कोई दिन प्यासलो रहे छे। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज की छात्राएं नए ड्रेस कोड से परेशान हैं। कॉलेज की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब छात्राओं को कॉलेज परिसर में बाल को चोटी बांधकर ही रखना होगा। खुले बाल के साथ छात्राओं की कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। यह आदेश कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन कुमार सिन्हा के निर्देश पर जारी किया गया है। आदेश के अनुसार इंटर कॉलेज में यह ड्रेस कोड 2021-2023 सत्र की छात्राओं के लिए है। आदेश के अनुसार कॉलेज परिसर में सेल्फी लेने पर भी रोक लगाई गई है। भागलपुर के सबसे प्रतिष्ठित SM कॉलेज में लगभग 1500 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। बताते चले, नया ड्रेस कोड एक कमेटी के सुझाव के बाद लागू किया गया है। ड्रेस कोड के अनुसार नए सत्र में रॉयल ब्लू कुर्ती, सफ़ेद दुपट्टा, सफ़ेद मोजे, काले जूते, बालों में दो या एक चोटी की बात कही गई है। सर्दी के मौसम में रॉयल ब्लू ब्लेजर और कार्डिगन पहनने को कहा गया है। छात्राओं का कहना है कि उन्हें नया ड्रेस कोड समझ में नहीं आ रहा है और चोटी बांधने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
वहीं एसएम कॉलेज के प्राचार्य ड्रेस कोड में किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू हो चुका है, जिसके संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब नियम तो मानना ही होगा। सही है? हाँ सही है। क्या सही है? अच्छा तो चोटी बांध के आएंगे, बाल खुला नहीं आना पड़ेगा। चोटी बांध के पहले तुम लोग नहीं आते थे? आते थे, चोटी बांध के आते थे। और सारी लड़कियाँ जो नहीं आती थी वो भी आएगी। चोटी बांध के ऐसे भी आना चाहिए। हाँ। सेल्फी वाला? सेल्फी वाला। विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित प्लस टू में इस बार 21 से नामांकित छात्राओं का नया ड्रेस कोड है। नया ड्रेस कोड के संबंध में जिसको भी आपत्ति है वो लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करते हुए सुझाव भी दें कि क्या बेहतर हो सकता है ड्रेस। हम लोग सुझाव को मानेंगे, प्रयास करेंगे मानने का। जो हमारी कमेटी है उस पर निर्णय करेगी कि क्या करना है। भागलपुर के एसएम कॉलेज में इंटर का फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावक भी इस दौरान काउंटर पर दिखे और फॉर्म भरने को लेकर उमड़ी भीड़ और शोर शराबा होता देख कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अमन सिन्हा छात्रों और उनके अभिभावकों को कोरोना गाइडलाइन का पाठ पढ़ाने पहुंचे, लेकिन हंगामा होता देख जोगसर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जोगसर थाना पुलिस ने छात्राओं और उसके अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत कराया। व्यवस्था की कमी रहेगी क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने पोर्टल पर आमंत्रित करता अपने से आवेदन छोड़ता हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब इंटरमीडिएट काउंसिल था कॉलेज का सारा पद ले लिया, शिक्षक का नॉन टीचिंग का आदमी देता नहीं है, कॉलेजों को दलाल बना के रखा है कि बच्चे को इधर से खरीदिए उधर से भेज दीजिए, वो एक आदमी नहीं देता, मैंने मांगा है। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय स्थित ट्रायसम भवन में बाढ़ राहत एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें अब तक चलाए गए राहत शिविरों की समीक्षा की गई और बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का जल्द ही छिड़काव करने, जहां पानी है तथा लोगों को आने जाने में परेशानी है वहाँ कुछ दिन और सामुदायिक किचन का संचालन करने आदि मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित विधायक इंजीनियर ललन कुमार व प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि लगभग 22,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपये प्रति परिवार की दर से लगभग 13,20,00,000 की जीआर राशि आज ही डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेज दी जाएगी। साथ ही फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 9,00,00,000 की राशि कृषि विभाग के द्वारा अनुशंसित की गई है, जिसकी स्वीकृति उपरांत किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए, जिस पर अमल करने का विधायक व प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया। लगभग 2,00,000 लोग प्रतिदिन ये सामुदायिक किचन में खाना खा रहे थे। पहली बार हुआ यहाँ जब बाढ़ राहत शिविरों में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और छोटे बच्चों को जो आंगनबाड़ी की दीदी लोग हैं लोगों ने वो दूध दे रही थी। पहली बार हुआ जब हमारे जो पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाया गया था वहाँ पर पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की गई। ट्रक से ट्रक मंगा करके पशुपालन विभाग के पदाधिकारी तदस्थ रहे वहाँ पर। यहाँ पर हमारे इसके लिए भी नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, काम हुआ है और अभी हम लोग अनुश्रवण समिति की बैठक करके निकले हैं। बाकी जो चैलेंजेज अब हमारे सामने हैं, जो पानी खिसक रहा है, चाहे वो ब्लीचिंग छिड़काव का हो चाहे मेडिकल टीम का भेजने का, सारा टीम गठित कर लिया गया, वो भेजा जा रहा है हम लोग। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड के वार्ड संख्या 5 के ताती टोला निवासी एक गरीब छात्रा ने एडमिशन के लिए मांगे गए घूस को पूरा नहीं करने पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय द्वारा एडमिशन नहीं लिए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। छात्रा रितिका कुमारी ने बताया कि वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स की छात्रा है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पीजी फिलॉसफी सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने पर प्रथम सूची में 26वें नंबर पर स्थान आया, तभी ऑनलाइन एडमिशन के लिए 2310 रुपये का चालान कटाने पर भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। इस बात पर सीसीडीसी और डीएचडब्ल्यू से मुलाकात करने पर 55% अंक होने पर एडमिशन नहीं होने की बात कही, जबकि कम अंक वाले का एडमिशन लिया जा रहा है। इस दौरान अधिकारियों ने पैसे का डिमांड करते हुए कहा कि अगर 20,000 रुपये दोगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं गरीब छात्रा हूँ, पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी सीसीडीसी और डीएचडब्ल्यू ने डांट कर ऑफिस से बाहर कर दिया।
मामले को लेकर रितिका ने कुलाधिपति सह राज्यपाल मुख्यमंत्री कुलपति जिला पदाधिकारी सहित विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर एडमिशन की गुहार लगाई है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सरकारी बस स्टैंड के समीप पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान लवारिस अवस्था में एक बोलेरो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मौके पर पुलिस को देख अवैध शराब के कारोबारी फरार हो गए। इस दौरान थानाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान सरकारी बस स्टैंड के समीप एक सुमो गोल्ड विक्टा से अलग अलग ब्रांड के 480 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इस दौरान गाड़ी ड्राइवर अठगामा निवासी सुधीर मंडल मौके से फरार हो गया। पुलिस शराब कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी में जुट गई है।